And next one, this program is respect to different types of literal values. During literal, we are discussing integer literals ko represent karne ke 3 way the. First one, either in the form of decimal number system or in the form of octal or hexadecimal. By default, any integer literal comes under decimal number system. और कोई भी integer number 0 से start हो रहा है, इसको consider करेंगे जा octal, same जा 0 x से start हो रहा है, consider करेंगे जा hexadecimal value. इस केस में integer 3 integer values create किए हैं, integer x, y, z. इसलिए तीनों ही values के bytes कितने allocate होंगे? Exactly 3 bytes. इस केस में मैं without stack diagram create कर रहा हूँ, there is no need of creating stack. 2 bytes for variable x. Next one, 2 bytes for variable y. Next one, 2 bytes for variable z. Here we are declaring 3 integer variables. X के रिस्पेक्ट में आसान कराया गया 15. 15 के अकॉर्डिंग आसान क्या करें? Its binary number. Binary number of 15 is 4 times 1. इसलिए X में क्या आसान होगा? 4 times 1. Remaining times, default inserted bits are 0. Next one, y के रिस्पेक्ट में बात करें, y में क्या आसान हो रहा है? Again 15 ले लें, इस केस में 15 अवेलेबल किस फॉर्मेट में? 15015 is by default considered as base 8, means octal. लेकिन मेमोरी के अंदर डेटा किस फॉर्म में आसान हुआ? बाइनरी फॉर्मेट में, इसलिए रिक्वायर्ड क्या हुआ? इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू मींस बेस 2. सिंपली इसके साथ रिक्वायर्ड क्या है? ऑक्टल टू बाइनरी. ऑक्टल के केसेस में बात करें, टोटल डिजिट्स क्या है? 0 क्या है? 0 इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट. एक्चुअल डिजिट्स क्या है? 1 5. ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सिंपली ऑक्टल डिजिट्स के 3 3 बिट्स में बाइनरी, सॉरी 3 3 3 3 बिट्स के पेयर्स में बाइनरी डिजिट्स ऐड करेंगे. 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 0 0 1. 5 का बाइनरी नंबर क्या है? 1 0 1. फाइनल कंप्लीट बाइनरी वैल्यू क्या हुआ? 1 1 0 1 1 1 0 1. जो भी इससे मिसेस का इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू क्या है? 1 0 1 1. दिस वैल्यू इज असाइंड टू द वेरिएबल y. 1 0 1 1. रिमेनिंग टाइम्स वी आर इंसर्टिंग, डिफॉल्ट पैडिंग बिट्स आर 0, ऑल टाइम्स 0. इन नेक्स्ट केस थर्ड, जेड के केसेस में अगेन वैल्यू असाइन किया 0x15. 0x इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट. इट इज सिंपली हेक्साडेसिमल नंबर, मींस 15. थर्ड केस में 0x के अकॉर्डिंग नंबर 0x से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कंसीडर हो गया ऑक्टल, सॉरी हेक्साडेसिमल. इस केस में करंट इसका अवेलेबल बेस क्या है? 15. लेकिन जब ये मेमोरी में असाइन करेंगे तो मेमोरी में किस फॉर्मेट में असाइन होगा? इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. तो बाइनरी के अकॉर्डिंग इसका बाइनरी वैल्यू क्या है? बाइनरी वैल्यू ऑफ 15 इज, मींस जिस टाइप से हेक्सा ऑक्टल के केसेस में 3 3 बिट्स के पेयर्स क्रिएट किए, सिमिलरली हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स. 4 बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग, 1 का अगर बाइनरी बात करें तो 1 इटसेल्फ बाइनरी, लेकिन 4 डिजिट्स में, 4 डिजिट्स के अकॉर्डिंग बाइनरी क्या होगा? 3 टाइम्स 0 1. 5 के केसेस में 5 का बाइनरी क्या है? 1 0 1. इन 4 डिजिट्स में कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करेंगे जा दैट 1 0. देन फाइंडली बाइनरी नंबर क्या है? इसका इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1 0 1. दिस वैल्यू विल बी असाइन टू द वेरिएबल जेड 0 1 0 1. नेक्स्ट 1 1. रिमेनिंग डिफॉल्ट बिट्स आर 0. This is the different representation of number systems. Means value किसी भी format में आसान करो, लेकिन memory के अंदर every time किस form में आसान होगा? In the form of binary format. In इस केस में output display कराया by using %d. %d के through display हुआ data in the form of decimal number system. सभी cases में sign bits 0, इसलिए result कैसा आएगा? Positive. Next one, first one. What is the displayed value of x? आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है? डेसिमल नंबर सिस्टम. x के अंदर वैल्यू बाइनरी फॉर्म में, लेकिन डिस्प्ले किस फॉर्म में कराएं? डेसिमल. इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है? 15. वैल्यू ऑफ x इज 15. नेक्स्ट वन, वैल्यू आसानी किस फॉर्म में स्टोर किस फॉर्म में? बाइनरी. इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या आएगा? 8 प्लस मींस 1 0 1 1. 8 प्लस 2 प्लस 1.
टोटल इज 11। मिस नेक्स्ट केस में वाई के अंदर ऑक्टल वैल्यू आसान किया था 0 1 5, लेकिन इसका इक्वलेंट डेसिमल वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ, सिंपली 11। नेक्स्ट वन हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के केसेस में बात करें तो हेक्साडेसिमल के अकॉर्डिंग अगर बाइनरी नंबर क्या है इसका 10101, 16 + 4 + 1 इक्वलेंट टू 21। मीन्स इसका इक्वलेंट डेसिमल वैल्यू क्या है 21, इक्वलेंट डेसिमल वैल्यू इज 11 और 15। इसलिए थर्ड केस में डिस्प्ले क्या हुआ है 21। दिस इज द फाइनल आउटपुट। अगर सेम वैल्यू परसेंट अगर ऑक्टल फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना देन यूज करोगे परसेंट ओ। सेम एज हेक्सा डेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले कराना यूज कर सकते हो परसेंट एक्स। वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग कंसोल ऑपरेशंस।